तीसरा मामला, थोड़ी सी टिप्पणी जो चुनाव आज हुए हैं संपन्न उस पर भी। सबसे पहले मैं अडानी वाले मामले पे बोलूं। मेरा मानना है कि उस लिहाज से अभी बहुत जल्दी है और बीजेपी जिस ढंग से काम करती है या चुनाव लड़ती है उसमें चुनाव के पहले या मतदान के दिन या मतदान से एक दिन पहले क्या होगा ये आज हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते और इसमें पूर्वाभास जैसा कुछ होना भी शामिल है। तो बीजेपी ठीक पोलिंग के दिन और अलग अलग जगह पोलिंग होंगे और उसके लिए पर्याप्त गैप होगा कि बीजेपी अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तैयारी करे, इसी हिसाब से चुनाव हो रहा है आजकल। तो इसलिए बीजेपी उस समय क्या करेगी ये हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए उस दिन क्या इशू रह जाएगा ये अभी उस पर कुछ अटकल लगाना भी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अभी उस पर बात होनी चाहिए, हिंडनबर्ग इशू पे अभी क्यों नहीं बात हो रही है, अभी जो जांच करने की बात हो रही है उसमें ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि इतने दिन से ये दावा किया जा रहा था कि हम सेल कंपनीज को बंद करा रहे हैं। अडानी वाली सेल कंपनी कैसे चल रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं होनी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुई है, मुद्दा ये है। और काम ऐसे होना चाहिए, जब तक ऐसे काम नहीं होगा तब तक ये सरकार जैसे काम करती रही है 8-9 साल में इसने जो किए और जितना कबाड़ा किया है वो एक दो आदेश से नहीं संभलने वाला है। मैं तीनों आदेशों के बारे में एक एक करके बता देता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी होने वाला है। अडानी के केस में मैंने एक दो नहीं सद्धा अनंत कई घपले हैं, कई जगह नियमों का पालन नहीं हुआ है, नियामक एजेंसी ने अपना काम नहीं किया है, जो दावा किया गया है वो नहीं हुआ है और सीधे सीधे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ठगने लूटने की तैयारी थी वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है और उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी के बाद कुछ नहीं किया गया सरकार की तरफ से, ना उस बदनामी को कम करने के लिए, ना ये बताने के लिए कि हम काम कर रहे थे। जो भी थोड़ा बहुत हुआ वो अडानी ने ही किया कि हाँ भाई हम केस करेंगे, हम फलानी से सलाह ले रहे हैं वगैरह वगैरह। और अडानी की वापस स्थिति जो जा रही है, अभी आपने कहा था कि वापस हो रही है, उनकी स्थिति फिर से ठीक हो रही है, वो इसलिए ठीक हो रही है कि कल या परसों एक गलत खबर फैला दी गई कि फलानी जगह से उनको इतने पैसे मिल रहे हैं और उसके आधार पर शेयर फिर से ठीक हो गए। तो ये सब हो रहा है और हो पा रहा है, ये शर्मनाक है। और इस स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक दो इलेक्शन में रिजल्ट आने से कुछ फर्क पड़ जाएगा या पड़ा है, मुझे नहीं लगता है। ये बहुत टेम्पररी चीज है, ये बहुत टेम्पररी चीज है और बहुत ही सतही मामला है कि कुछ वोट ज्यादा आ गए, वोटर तो वोट दे रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी की पूरी शिवसेना बीजेपी को प्लेटर में रख के दे दी गई कि लो भाई तुम्हारी यही है पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में समय पर सुनवाई नहीं हुई, इलेक्शन आयोग ने जो किया जो फैसला किया पूरी पार्टी को उठा करके दे दिया बीजेपी को। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक भाषण सुना था जस्टिस दुष्यंत दवे का, उन्होंने कहा था और उन्होंने बहुत सभी तमाम विषयों पर बहुत बढ़िया भाषण दिया है, अंग्रेजी में है, बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, बहुत लोगों ने समझा नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें उठाई गई है इंक्लूडिंग शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी वाला मामला कि उसको जमानत क्यों नहीं मिली, उसके पास तो कुछ मिला ही नहीं था, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको फंसा दिया गया, वो बेचारा 1 महीने जेल में रहा और जिसने जमानत नहीं दी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने या हायर अथॉरिटीज ने किसी ने उस पर कुछ कहा क्यों नहीं, इंटेलेक्चुअल्स ने कुछ नहीं कहा, मीडिया तो कुछ करता ही नहीं है। तो मतलब अगर कोर्ट को एक्शन लेना था तो कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, इंटेलेक्चुअल्स को बोलना चाहिए था तो इंटेलेक्चुअल्स नहीं बोला और मीडिया तो कुछ करता ही नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को हम ये कहें कि कुछ वोट ज्यादा मिल गया तो बीजेपी की रणनीति ये है कि पोलिंग के दिन हम कुछ ऐसा कर लेंगे, करवा देंगे जिससे वोट एक तरफा पड़ता है। तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हिंडनबर्ग वाले मामले में ये सब तो है ही है, इसके अलावा भाई जजों का लोया भी होता है, नजीर भी होता है और गोगोई भी होता है। सीबीआई जज के चीफ, सीबीआई के चीफ के अपॉइंटमेंट के में नियम है कि जज भी देंगे और जैसा अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज पार्टी हो जाएंगे। अगर हम वो सब उसमें नहीं जाएं और ये मान लें कि वो इंडिपेंडेंटली वोट देंगे, सुप्रीम सीजीआई शायद नहीं होंगे, सीजीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा या सीजीआई
भी रहेंगे। सीजीआई को ब्लैकमेल किया जा चुका है, हम देख रहे हैं। लास्ट टाइम रंजन गोगोई के केस में सीजीआई को ब्लैकमेल क्यों नहीं किया गया था? वो केस कहां से आया और क्यों खत्म हो गया और क्यों उसको फिर से अपॉइंटमेंट दे दिया गया? जो कंप्लेनेंट थी उसको नौकरी से निकाला गया और फिर नौकरी पर रखी जा गया, तो वो केस ब्लैकमेल करने के लिए नहीं था, ऐसा हम क्यों नहीं माने? और यही था, ये बोलेगा कोई? कोई आके एफिडेविट देके थोड़ी बोलेगा कि हाँ मैंने ये केस इसलिए कंप्लेंट इसलिए किया था। जो हो रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है। और अगर वो ब्लैकमेल नहीं किया गया था तो सीजीआई को फिर से अपॉइंटमेंट देने की जरूरत क्या थी और लेने की क्या जरूरत थी? सिर्फ देने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं लेने की भी क्या जरूरत थी? जाहिर है उनसे कहा गया कि तुम्हें लेना भी है तभी वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेते। इसी तरह से लास्ट टाइम जो आलोक वर्मा को जब हटाया गया था आधी रात में सीबीआई के चीफ के पोस्ट से, तो उस समय जो एक जज साहब, जो तीन लोगों में जो जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बारे में खबर छपी थी कि उनको एक इंटरनेशनल पोस्टिंग दी जाने वाली थी और उन्होंने उसको फेवर में फैसला दिया था सरकार के। बाद में उन्होंने नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन उनको तो मतलब प्रभावित करने की कोशिश तो की ही गई थी। तो अगर ऐसा किया जाएगा, सरकार के लेवल पे किया जाता रहेगा, और कानून या जनता या मीडिया अगर इसको बताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं या गंभीरता से नहीं लेगा, तो ये सब होता रहेगा और फिर कैसे कोई समझेगा? और तीसरा क्या था? चुनाव आयुक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, ये क्या कम शर्मनाक है? सीबीआई के मामले में ऑलरेडी ये 1995 में जब हवाला केस था, विनीत नारायण वाले केस में शायद ये फैसला आया था कि तीन लोगों की कमिटी अपॉइंटमेंट करेगी। अभी क्या कंडीशन है? लास्ट टाइम तो उन्होंने आलोक वर्मा को हटा ही दिया, जबरन ही हटाया था, आधी रात में हटाया था, ठीक है कंसेंट लेके हटाया था मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या किया गया? अब उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है सीबीआई चीफ का, 5 साल का कर दिया गया है। अगर 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा तो वो क्यों नहीं सरकार के कंट्रोल में रहेगा और सरकारी बात मानेगा? और ये सब बाद में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हुआ है, अध्यादेश ला करके किया गया है। सीबीआई चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया अध्यादेश ला करके, और ऑर्डर में सिर्फ ये नहीं लिखा गया कि कार्यकाल 5 साल होगा, ये भी इस वाले में नहीं, इससे पहले वाले में लिखा गया था ये फॉर 2 ईयर्स और टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो और टिल फर्दर ऑर्डर में तो 2 ईयर्स का कार्यकाल खत्म ही हो गया। कोर्ट ने कहा था कि 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा ताकि सरकार उसे प्रभावित ना कर सके, हटा ना सके, 2 साल से पहले वो जो काम कर रहा है वो करेगा। ऑर्डर हुआ कि फॉर 2 ईयर्स और बिफोर फर्दर ऑर्डर, तो फर्दर ऑर्डर में तो बात खत्म हो गई, उसको तो दंड बढ़ा रहेगा। और जब 5 साल के लिए कर दिया गया अध्यादेश ला करके, तो वो मामला ही खत्म हो गया पुराना। तो 1995 में जो फैसला किया गया था वो खत्म हो गया, और अब हम सीबीआई के चीफ के लिए जो फैसला था वो खत्म हो गया, और अब हम चुनाव आयुक्त के लिए कर रहे हैं। तो सरकार ने अगर एक को खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही है, भले अध्यादेश लाके किया है, भले मेजोरिटी के उसमें किया है, लेकिन कर तो दिया ही, तो इन इफेक्ट क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही आ गए। एक खत्म हुआ तो एक शुरू हो गया, तो इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। और मुझे भी लगता है कि जो हो रहा है वो जैसी जरूरत है वैसा हो रहा है, बहुत कम है, बहुत कम है, और इससे कुछ नहीं हो पाए। जी राजीव जी,